हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर सक्षम सक्सेना हाजिर हूँ आप सबके सामने आज के कुछ मुख्य समाचार लेके। आज की पहली खबर यूएन में हुई आर्थिक व सामाजिक परिषद की बैठक से संबंधित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से सभी वैश्विक ताकतों से आग्रह किया है कि बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के मौजूदा स्वरूप के बदलावों में अब देरी नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने यूएन के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की जोरदार वकालत की। दूसरी खबर टेलीकॉम क्षेत्र से है, जिसमें टेलीकॉम क्षेत्र में चीन से आयातित उपकरणों के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए सरकार यह नियम लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में चीन के उपकरण के इस्तेमाल से डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर पहले ही सवाल उठाए गए हैं। 4G नेटवर्क एवं वाईफाई विस्तार से जुड़े टेंडर में 70% काम उन कंपनियों को दिया जा सकता है जिसमें उपकरण मेक इन इंडिया है। तीसरी खबर विश्वविद्यालय व कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा से संबंधित है, जिसमें विश्वविद्यालय व कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा अगस्त से होगी। चौथी खबर खेल जगत से संबंधित है, जिसमें यह है कि इस बार यूएई में आईपीएल होना लगभग तय है। यह मैच सितंबर व नवंबर में यूएई में कराया जाएगा। पांचवी खबर देश में कोरोना की स्थिति से संबंधित है, जिसमें देश में कोरोना का आंकड़ा 10,40,000 के पार पहुंच गया है, अतः आप सब सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।